हाई एम सप्तमी गाड हाय एम ऋषभ शेट्टी यूर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाम नहीं वही ये होम वाले फिल्म से ना बहुत बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है ये कभी भी नंबर नहीं बोलते सो so, आप बोला तो ठीक है कुछ है हम लोग वो हमारा ही फिल्म हम फील करते हैं के जी एफ हमारा इंडस्ट्री का एक प्राउड फिल्म है सो so, कांता रवि हम प्राउड फील करते हैं सो so, तो अच्छा लगता है आप लोग ऐसा इतना कलेक्शन हो रहा है बोले तो सेकेंड वीक में वीक डेज ऐसा चल रहा है उधर भी बहुत गांव से लोग व्हीकल करके उधर से थिएटर सिंगल स्क्रीन में आके बहुत साल के बाद ऐसा आ रहा है करके बोल रहे लोग बहुत खुश होता है एक फिल्म का जो कल्चर वो जा रहा है मतलब लोगों को उतना क्रेज़ नहीं है फिल्म में बारे में अभी ओ में आएगा क्या उतना स्ट्रगल करना है ओ में आएगा टी में आएगा ऐसा कुछ नहीं तो पायरेसी आएगा ये सब छोड़ के एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना है ये सब हमारा जो कल्चर है हमारा जो संस्कृति है ये सब देखने के लिए वो देखने के लिए वो लोग थिएटर आके देख रहे हैं सो so, वो बहुत बड़ी बात है उसके अलावा फैमिली आ रहे हैं बच्चे लोग आ रहे हैं yes. सो uh, so, वो वो बहुत अच्छा लगता है uh, किसी को भी वो आइडिया नहीं था कि ये अभी क्लाइमैक्स जो गुड़ी का पोर्शन बोलते हैं हम लोग गुड़ी का एक दैव मानते हैं वैसा एक एनर्जी भयंकर रूप से दिखाना पड़ता है सो so, वो uh, कैसे शूट करते ना सिनेमाटोग्राफर uh, फाइट फाइट मास्टर किसी को भी पता नहीं था मेरा मन में एक चार शॉट्स था सिर्फ चार शॉट्स था ये शुरू ऐसे होता है ऐसा होता है एग्रेशन ऐसा रहता है सो so, इधर से हम करते हैं डी हर बार पूछते रहता था क्योंकि मैं कैरेक्टर के अंदर जाने के बाद ये लोनली फील करेगा क्योंकि कितना डिस्कस करते हैं करके डोंट वरी कोई बात नहीं उधर वो जो रिचुअल्स जो करते हैं जो गुड़ी का जो रिचुअल्स हम करते हैं वो कोला समय में एक म्यूज़िक है जो फोक म्यूज़िक हम लोग ताशे नादस्वर बोलते थे वो सुनते ही आपको एक वाइब्रेशन मिलेगा एक पॉजिटिविटी मिलेगा सो so, वो मिला मतलब हर शॉट हम लोग म्यूज़िक प्ले करके मैं हर शॉट को शॉट uh, देता था उसके बाद वापस आके मॉनिटर देखता था नेक्स्ट वन मोर करता था सो so, ये करते करते ऑलमोस्ट तीन दिन शायद हम लोग शूट किए वो पोर्शन सो so, उसके एंड एंड में बॉडी आउट होने लगा क्योंकि उतना ज़्यादा एनर्जी उतना शॉर्ट और वो सब लेना था वो फील करना था सो लास्ट लास्ट में बहुत स्ट्रगल हो रहा था अंदर से क्योंकि बोल नहीं सकता था मैं अगर मैं थोड़ा एनर्जी कम फील कर रहा हूँ ऐसा बोला ऐसा कुछ दिखाया तो पूरे पूरे की सेट एनर्जी लॉस हो जाएगा सेट का सो so, इसलिए वो एनर्जी रख के गया मैं वो पूरा एक फील भी था मन में क्योंकि जो हम मानते हैं जो दाइब दैव पंजुर दैव गुड़ी का so, ये सब मैं मन से मैं प्रे करके स्टार्ट किया और एक और एक भगवान है अन्नपा बोलते हैं मंजुनाथ स्वामी बोलते हैं धर्मशाला जो आपको पता है इसलिए हम ये जो दैव बोलते हैं इस सब का हेड ऑफिस ये सब पूरा जाके लिटरली प्रे करके आके मैं एक क्लियर हार्टेडली मैं वो किया so, लेकिन लास्ट में एंड में मैं फील हो गया कि कुछ एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट करके जा रहा है सोचा नहीं मैं क्योंकि मैं आई ऑलवेज थिंक इन कनाडा स्पीक इन कनाडा ईट इन कनाडा स्लीप इन कनाडा मैं uh, सपना देखता हूँ कनाडा में ठीक है सो so, जो स्टोरी लिखा एक कर्नाटक का एक कोस्टल कर्नाटक का एक रीजनल रूटेड कंटेंट को मैं लिख रहा हूँ उधर मैं विजुलाइज करना रहा हूँ कर रहा हूँ सो so, 100 परसेंट मैं उधर ही सोचता हूँ ना वही सोच होगा सो so, मैं सोचा नहीं ऐसा so, नहीं है उन लोगों का लाइफ अलग रहता है हम लोग जो उधर कैसे ऐसे आ जाते हैं सीधा हम लोग को कम्फर्टेबल फील करता है वी फील बेटर ये बहुत अच्छा चीज़ है ये ट्राई करो लुंगी ट्राई करो <laughs> 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 okay. क्योंकि ये ये मतलब मेरा गांव में मैं ऐसा ही रहता हूँ डायरेक्शन करने समय में ऐसा ही रहता हूँ पूरे डेढ़ साल में मैं लॉकडाउन में उधर गया स्टोरी लिखता था शूटिंग करता था पूरे मैं ये सो लुंगी में रहा उसके बाद मेरा ने अच्छा-अच्छा शर्ट्स पूरा लेके लेके आई और नया-नया भी के के दी। तो मुझे कंफर्टेबल लग अच्छा लग रहा रहा है है अच्छा फील्स फील्स गुड बेटर उसमें ज़्यादा भारी नहीं, so <laughs> नहीं लगता है लाइक सेड आई थिंक इट्स जस्ट कुछ लोगों को अच्छा

नो इधर भी लेके जाता हूँ मैं उसका ये नहीं है इतना प्यार दे रहा है क्यों नहीं आ रहा हूँ मतलब लेकिन मैं मेरा 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 मातृभाषा में मैं फिल्म करता हूँ लेकिन वो कुछ कुछ फिल्मों इधर भी चलेगा इधर का जो लोग हैं उन लोगों को भी पसंद आएगा तो ऐसा कुछ मन में आया तुरंत मैं लेके आता हूँ इधर लेकिन मेरा वो, को, मेरा कंसंट्रेशन उधर ही है ठीक है मैं मेरा मन में कन्नड़ा फिल्म करना है So, अच्छा चलेगा तो मतलब यूनिवर्सली ये डब कर सकते हैं रिलीज़ कर सकते हैं ऐसा एक फिल्म बना तो इधर लेके आता हूँ मैं लेकिन मुझे डायरेक्ट करने का ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है अच्छा अच्छा स्टोरी yes. आप, आपके सामने ले लेके आ सकता हूँ सेम एक्टिंग भी ऐसा ही है लेकिन एक गुना uh, ये ज़्यादा है डायरेक्शन का स्टोरी टेलिंग इज मोर इंटरेस्टिंग एंड उसमें भी वही अबाउट अ प्रीवियस क्वेश्चन नॉट ओनली मी मेरा एनर्जी कुछ भी हो मेरा विजुअल मेरा स्टोरी कुछ भी हो लेकिन मेरा टीम जो है वरिंद कश्यप जो सिनेमाटोग्राफर उसका टीम जो उसके साथ जो काम करने वाले लोग थे गिम्बल ऑपरेटर्स मेरा डायरेक्शन टीम सब लोग का कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म में एंड धरणी गंगे पुत्रा वो एक वा, वा, सेट बॉय था उसको लेके आके हम लोग आर्ट डायरेक्टर बना दिया ठीक है उसके साथ का जो लोग थे जूनियर जो मतलब लोकल कोऑर्डिनेशन करके जो चीज़ें नाइनटीन नाइन्टीस जो गांव में जो क्या मिलता था वो सब चीज़ें लेके आना था तो ये सब कर रहे थे एंड प्रगति मेरा बीवी जो कॉस्ट्यूम की है बहुत अच्छा काम किए है सब लोग का कंट्रीब्यूशन है ये पूरा होने के बाद म्यूजिक अजनीश लोकनाथ का म्यूज़िक एंड एडिटर्स दो दो एडिटर्स है ठीक है एक केम प्रकाश और एक प्रतीक शेट्टी हु डिड प्रतीक शेट्टी डिड चार्ली ऑल्सो फिल्म कॉल्ड सरकारी मेरा लास्ट फिल्म वही एडिटर था इन, इन सब लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन है सो so, वी वाले डी टी एम के और रमेश सी पी वो कलरिस्ट था सब लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल के आज खानता रहोगे कुछ नहीं रहता था ही वॉज द सेम पर्सन बिकॉज ही है डायरेक्शन करना पड़ता था इट वॉजेंट देयर लाइक टू ओकेट Ten days, massive director who, because every single day uh, we used to, we used to shoot. Our uh, it was a jam-packed schedule because in one year if we have to bring this out with all the work that went through. So uh, he, sir was the same. His energy levels were the same. Uh, if his energy, like he said, if that dropped, then the entire set's energy would have dropped. so he he was was the 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 same person as the actor and director director but when he was the director, little more rage would have come that's सो ही वॉज द सेम एजर 100% because किधर भी फ्रेम रखो सिनेमाटोग्राफर वो पूरा लोकेशन मेरा गांव का था बचपन से मैं देख के आया हूँ उधर ही हूँ उधर ही स्टोरी लिखा हूँ सो सारे सारे सिक्वेंसेज स्टार्ट टू एड सब कुछ मैं कैसे विजुअलाइज किया हूँ ऐसे ही execute किया है हम लोगों ने सो so, उन लोगों को क्या है कि ज़्यादा डिस्कशन से जैसे वो क्लैरिटी उन लोगों को मैं ट्रांसफ़र करना पड़ता था मुझे जो ये रिक्रिएट करो ये रिक्रिएट करो मुझे कुछ रेफरेंस का कुछ ये नहीं था क्योंकि क्या देखा हूँ मैं बचपन से वही मैं रिक्रिएट कर रहा था से करने वाले जो टेक्नीशियंस हैं जो लोग हैं उन लोगों को जस्ट एक्सपीरियंस जो एक्सप्लेन करना था वो कर करके गया मैं पूरे फ्लो में फिजिकली वही तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं मतलब ये सोचा तो मैं कर नहीं सकता हूँ सो डिफ़िकल्ट वॉज इनिशियल डेज बिफोर द शूट आई थिंक तीन महीने पहले तीन चार महीने पहले मैं रिहर्सल करने के लिए गया था एक महीने एक महीने पूरे महीने नहीं है थर्टी डेज नहीं चार पाँच दिन मतलब हफ्ते में वीकेंड में मैं जाता था पूरे दिन uh, बफलो रेस का जो प्रैक्टिस करता था उधर जो दो लोग थे uh, परमेश्वर भट्ट एंड महेश पुजारी करके वो दो वो दोनों इनिशिएट uh, किए है वो रेस का जो देख के डर गया मैं सो so, मेरा मेरा मेरे बारे में एक नाम है मेरा दोस्त सर्कल में और फिल्म इंडस्ट्री में जो एनर्जेटिक रहता है बहुत एफर्ट डालता है सो so, किसी को भी मतलब ये ये नहीं होता है करके एक मन में नहीं होगा इसका फुल ऑन एनर्जी में रहता है ये करेगा ऐसा एक कॉन्फिडेंस है सो so, ले, लेकिन अंदर से मुझे डर हो रहा है चाहे so, वो भी कैसे करूँ इतना बड़ा बड़ा आ, ये बफलोज है एंड उन उनका जो स्पीड है वो देख के मैं थोड़ा डर गया था उसके बाद उन लोगों का जो सपोर्ट था जो टेक्निक्स कैसे करना है ये सब पूरा सुन के उसके बाद मैं एक बार ट्राई किया पहली बार ऐसे ही जंप हो गया उधर से सो सेकंड टाइम मैं ट्राई किया ऑलमोस्ट एंड तक आ गया वो भी मैं बफेलोस इधर थे मैं इधर था मतलब ये मैं मैं बफेलो को मतलब रेस नहीं कर रहा वो लोग मुझे लेके जा रहे हैं ऐसा था ठीक है उसके बाद दो लैंडिंग के समय में मैं गलत पाँव रख दिया तो गिर गया उधर सो छोटा मोटा ये हो गया स्क्रैचेस हो गया उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया इतना इतना दूर तक मैं आ सकता हूँ तो और ट्राई करते हैं ऐसा कंटिन्यूस ट्राई किया ट्राई करके थोड़ा 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 ऊपर आके 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 लास्ट में जो ट्रेलर और फिल्म में आप देख रहे हैं So, एक प्रॉपर पोस्चर <laughs> वो करने में मिला एंड शूटिंग करने समय में भी गांव वाले जो है मेरा गांव में शूट किए बहुत सारे लोग आके ये ऋषभ शेट्टी कैसा ये बफुल रिस्क करेगा ये करके ओके <laughs> सो okay. uh, so, uh, उन लोगों को रखे हम लोग जूनियर आर्टिस्ट का काम दिया उन लोगों को इधर इधर बैठो हो इधर इधर रहो करके सो so, पहली बार मैं फर्स्ट शॉट लिया था इट वॉज इन ट्रैक प्रोफाइल में किए थे सो uh, so, वो देख के लोग बहुत बो, बो, बहुत अच्छा स्प्रेड हो गया ऋषभ शेट्टी ऐसा कर रहे कर रहे करके फुल डे मतलब वन फु, फुल डे हम लोग शूट किए वो सीक्वेंस को नियरली थर्टी सिक्स राउंड्स में रेस uh, किया था आई मीन सर फर्स्टली आई मीन आई नेवर हैड दॉट दैट आई वॉज डूइंग समथिंग दैट इज डीग लैम गोइंग यू नो आई एम गोइंग टू लुक अ डिफरेंट वे आई वॉज वेरी हैप्पी विद द कैरेक्टर दैट वॉज रिटन लीलाज कैरेक्टर वो कैरेक्टर का एक ग्राफ था वो मुझे बहुत एक्साइट किया तो so, इसीलिए मुझे वो लुक uh, में आई डेंट मैटर दैट मच टू मी एंड वैन इट कम्स टू कास्टिंग्स लुक ऑन द लुक आउट फॉर हू इज गोइंग टू लुक द बेस्ट फॉर लीलाज कैरेक्टर एंड देन ही सॉ पिक्चर ऑफ माइन ऑन इंस्टाग्राम And that's how Sir contacted me, and then I went for the first meeting to his office. and The best selling part of everything was he showed me the clippings of uh, Daiva Radhane and Kola. So that got me very excited. Uh, so that excitement, I think, uh, made me want to be part of Kantara even more. Uh, firstly, I was very excited that I got a call from Rishab sir, that I, I you know, they, they were doing a project and they were considering me. I always wanted to work with him. Uh, so, all this, I think. Uh, मेरा कैरेक्टर है इसलिए मैं लिखा था क्योंकि मैं एक्शन आर्टिस्ट था पहले मैं बहुत छोटा था सिक्स स्टैंडर्ड में उधर से थिएटर किया नाटक में करता था उसके बाद में फिल्मों में आया मेरा बचपन से मेरे को शौक था कि ऐसा कुछ कैरेक्टर करना है मतलब विलन विलन जैसा नेगेटिव कैरेक्टर लव स्टोरी भी ऐसा रो रहा और ये गोफिलर रेस एक्शन सीक्वेंस और रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस ये नहीं है कि एक मारा तो एक बीस लोग ऊपर जा रहे हैं ये गाड़ी गीड़ी जा रहे हैं वैसा नहीं है वो एकदम फाइट एकदम फाइट क्योंकि मैं आई वॉज अ रेसलर सो रेसलिंग में जुड़ों में नेशनल हो गया था मेरे कॉलेज के समय में सो so वो सब स्किल्स दिखाना है करके सोचता ये पूरे करने को ये ये, ये फिल्म में अपॉर्चुनिटी मिला सो so इसलिए okay. मतलब विच इज़ वेरी ग्रे शेडेड थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव भी है इसमें मतलब ये जो लड़की के साथ बिहेव जो करता है जो लव स्टोरी जो है लेकिन ये लव स्टोरी नहीं है लेकिन उन दोनों का कैरेक्टर को बहुत अच्छा तरीके से और स्क्रीन प्ले के हिसाब से भी आप देखा तो हर बार एक तो गलत काम करता है तो कुछ अलग होता है कुछ और होता है कुछ और इसको देखने को मिलता है सो तो उस उधर से भाग रहा है बागे और एक मिस्टेक कर रहा तो है सो ऐसा एक जर्नी है शिवा का सो तो और गाँव वालों को भी ये प्रोटेक्ट करना है सो so, इसका रिएक्शन भी वैसा ही है एक शिवा का रेज भी ऐसा ही है so, ये पूरा करता है मतलब ये हीरो का हीरो भी नहीं है विलन का विलन भी नहीं है लेकिन जो इसका जो रिलेशन पॉइंट आता है ये एक इनलाइटमेंट का मोमेंट आता है सो so, उस समय क्या लेता है उसके बाद उसका कैरेक्टर कैसे शिफ्ट होता है कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा सो so, इसीलिए मुझे इतना सारा थ्रू आउट द फिल्म चाहिए था नॉर्मली क्या करते हैं कि ये इसका जो कैरेक्टराइजेशन का जो बिल्ड है वो स्टार्टिंग में बोल के छोड़ देते हैं उसके उसके हिसाब से स्टोरी के हिसाब से जाएगा वो ऐसा नहीं किया मैं उधर 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 मतलब एक एक एक, एक, एक मार्क करके जा रहा हूँ टूवर्ड्स एंड अभी तक पता नहीं चला है आई मीन वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स बट अदर देन दैट आई डोंट नो पर्सनली नथिंग इन इन साइड मी हैज चेंज आई एम जस्ट वेरी प्राउड टू कि मैं इस uh, मूवी की एक पार्ट हूँ पर uh, uh, वैसा कुछ चेंज नहीं हुआ है एक्सटर्नली आई मीन मेरा फैमिली आई मीन हाउ देज टू ट्रीट मी बिफोर जैसा वैसा ही ट्रीट करते हैं अभी तक सो आई डोंट आई एम जस्ट हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल एंड प्राउड बट अदर देन दैट वी सेट आउट टू डू अ ग्रेट यू नो अ गुड मूवी होल हार्टिडली वी गेव इन एवरी थिंग दैट वी हैव ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वी डेंट थिंक मच वैन वी आर डूइंग इट वी डेंट थिंक ऑफ द रिजल्ट विच सो वीर वेरी हैप्पी वेन गेटिंग टूडे दिल जीतने का काम नहीं होता है और uh, ये uh, मतलब आ, आप आपका काम करो आ, उत, वो काम का जो रिजल्ट है वो लोगों को छोड़ दो मतलब वो अगर आपका काम सही लगा अच्छा लगा जो लोग पूरे दे देते सो थैंकफुल टू कनाडा ऑडियंस वो लोग नॉन कनाडा इसको इतना प्रमोट करके उसके बाद डब होने के बाद इधर अभी जो हिंदी ऑडियंस जो हो देश का दूसरे लैंग्वेज जो तमिल तेलुगू मलयालम सब जगह इतना अच्छे से एक्सेप्ट कर कर रहे है एक रीजनल रूटेड स्टोरी को सो थैंकफुल टू एवरी वन वी वेरी हैप्पी आई मीन वी जस्ट सेट आउट कि हम एक मूवी बनेंगे और हम मूवी को ढेर सारा प्यार देंगे

है एक ये कोशल कर्नाटक का एक रीजनल हमारा जो रिचुअल है आ, ये सब मिला के एक फोकलोर बनाया है एक कांथारा बोले तो आपको एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट जो हमारा जो कोर रूट है वो हम दिखाने के लिए ट्राई किए लेकिन ये भारत का हर कोने में है हर जगह ऐसा एक बिलीफ है ऐसा रिचुअल है लाइफ का जो तरीका भी ऐसा ही है लेकिन जो दूसरे प्रकार से होता है लेकिन हमारे जो नए जनरेशन आज का जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को जो हमारा कल्चर क्या है हमारा बिलीफ क्या है ये दिखाने का बहुत जरूरी है दो इम्पोर्टेंट भी है सो so, इसलिए बच्चों को लेके आके पिक्चर दिखाओ सो so कांतारा देखो हिंदी में आप पूछे इसलिए हम लोग रिलीज़ कर रहे हम लोग को ये कंटेंट को पूरे टीम को सपोर्ट करो थैंक यू सो मच तो फोटीन हिंदी में रिलीज़ हो रहा है अब हम बहुत सारा प्यार देकर ये फिल्म बना है तो प्लीज़ आप सब लोग थिएटर्स जाके इंजॉय करो